देखते रहिए UPN0@bhopal से आरिफ खान की रिपोर्ट आ रही है। बुधवार 4:32 चौराहे पर कांग्रेस पार्टी की विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भोपाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, विधायक आरिफ मसूद मौजूद रहे। देखते रहिए UPN0@, ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। साबित के साथ आज इस बात को गुरुद्वारा की सभा में कह रहा हूं, किसी हालत में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अब एक नारा हो चुका, हम सब एक है, दोनों हाथ उठा गए, हम सब एक है, हम सब। हमें जब भोपाल का नुमाइंदा चुनना है तो दिग्विजय सिंह जी से अच्छा कोई नुमाइंदा नहीं होगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, हम खुशनसीब हैं कि हमें वजीर आला के रूप में इज्जत मान कमलनाथ जी मिले हुए, जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, जो वचन देते हैं उसे पूरा करते हैं। मैं सोच रहा था कि मैं बुधवार आके बोलूं क्या, दो दिन पहले आरिफ मसूद जी ने मुझे आमंत्रित किया था, बड़ी खुशी होती है बुधवार आकर, पर आज सुने जब मैंने कैसा प्रदेश हमें सौंपा, कैसा प्रदेश हमें सौंपा जो किसानों की आत्महत्या में पूरे देश भर में नंबर वन, बेरोजगारी में पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर वन, बलात्कार में नंबर वन और भ्रष्टाचार में।